Hello students. Now we take the third method to determine the order of reaction. The name of third method is the integrated rate equation method, heat and trial method, and graphical method. Integrated rate equation method. We have already studied in detail integrated rate equation for zero order, first order, and nth order. So why we call this method is integrated rate equation? In this method, to determine the order, we use the integrated rate equation of different order of reaction. How much type of data is given in this type of method? We are given a concentration of any reactant at different time. For example, A to form B, and its rate law expression is R is equal to K A to power n. We have to find out n. हमें n find out करना है. क्या होगा? डाटा किस टाइप का दिया जाएगा? अलग अलग टाइम के ऊपर एक ही कंसंट्रेशन का, अलग अलग टाइम के ऊपर एक ही कंसंट्रेशन दी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, कंसंट्रेशन हमें दी गई. कंसंट्रेशन को हमने लिखा A और टाइम को हमने लिखा T से. T0 कंसंट्रेशन हो गई हमारे पास A नोट. T1 टाइप कंसंट्रेशन हो गई A1. T2 टाइप कंसंट्रेशन हो गई A2. T3 टाइप के ऊपर कंसंट्रेशन हो गई A3. इस तरह से क्या हुआ, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे दी गई. जीरो के ऊपर जब T0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है. T1 टाइम के ऊपर A1, T2 टाइम A2. अब क्या करेंगे, ये इस तरह से क्या हुआ, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम के ऊपर दे दी जाएगी. अब ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अब इसको हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोला गया. क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो डाटा है इसको हम जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी उसमें पुट करके देखेंगे. जैसे कि इस डाटा को हमें जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई थी हमारे पास, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, KT इज इक्वल टू C0 - CT. तो C0 टाइम हमें दिया गया है T1. अब T1 टाइम दिया तो C0 तो हमेशा क्या रहेगी, जीरो. T0 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, A0. माइनस T1 के ऊपर जो टाइम दिया हुआ, T1 टाइम के ऊपर जो कंसंट्रेशन दिया A1. यहां से K निकाल लेंगे. फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम K- निकाल लेते हैं, मतलब नेक्स्ट एक बार फिर से अगला, अब T2 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो K- निकालेंगे, K- × T. अब T कितना पुट करोगे, नेक्स्ट टाइम हमारे पास है T2, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ही रहेगी, T2 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है A2. तो यहां से दो बार क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में डाटा को पुट करके अलग अलग टाइम के ऊपर CT को पुट कर लेंगे. ठीक है, समझ में आ रही है बात, और K निकालेंगे. अगर दो बार K और K- के आ गया सेम, अगर दोनों बार K और K- के आ गया सेम, इट मीन ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ये. इसका मतलब ये जो डाटा है ये जीरो ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अगर यहां पर जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करने से दोनों बार रेट कॉन्स्टेंट सेम नहीं आया, अगर ये सेम नहीं आया, इट मीन ये जीरो ऑर्डर नहीं है. अब ये जीरो ऑर्डर नहीं है तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें डाटा को पुट करके देखेंगे. फिर उसी तरह से क्या करेंगे, दो बार रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे. अब फर्स्ट ऑर्डर में पुट करने से अगर रेट कॉन्स्टेंट सेम आ गया तो ये क्या हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है. तो हीट एंड ट्रायल मेथड हम ट्राई कर रहे हैं, हमें पता नहीं है. एक बार जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में डाटा को सेटिस्फाई करवाएंगे, वहां पर देखेंगे कि के रेट कॉन्स्टेंट दो बार सेम आ रहा है या नहीं, वहां की बात बनी तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएंगे. तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोला है, हीट एंड ट्रायल मेथड बोला गया है. इसी को ग्राफिकल मेथड भी बोला जाता है. ग्राफिकल मेथड इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने क्या किए थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के हमने ग्राफ प्लॉट किए थे. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने ग्राफ प्लॉट किए थे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन,
रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो वो जो ग्राफ ही दिए जा सकते हैं। जैसे अब हमारे पास क्या दिया गया, अलग अलग टाइम के ऊपर क्या दी गई है, कंसंट्रेशन दी गई है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हमें ग्राफ दे दिए जाएंगे। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर ग्राफ इस टाइप का आ जाए या हमारे पास क्या हो जाए, हमें ग्राफ देख के ही, मैं पहले बता चुकी हूँ, ग्राफ दे देंगे, ग्राफ देख के आपको क्या करना है, ऑर्डर पहचानना है। इस टाइप का आ जाए हमारे पास, या हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इस टाइप का ग्राफ आ जाता है, तो हमें ऑर्डर पहचानना है। अब क्या करेंगे, ग्राफ को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राफ को इक्वेशन में कन्वर्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की, तो ऑर्डर पहचान सकते हैं। तो जैसे यहां पर आ गया, तो ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इसीलिए इसको ग्राफिकल मेथड भी बोला जाता है। बट इस मेथड की भी एक लिमिटेशन है, इस मेथड की लिमिटेशन भी वही है जो हाफ लेंथ मेथड की लिमिटेशन थी। हाँ, क्योंकि इस मेथड में भी क्या किया जाता है, सिर्फ एक रिएक्टेंट वाले रिएक्शन का ही रेट ऑर्डर पता लगाया जा सकता है। क्योंकि एक बार में, तो अब जैसे हमारे पास ए प्लस बी से सी बन रहा होता, ए प्लस टू बी से सी बन रहा होता, तो यहाँ पर तो कंसंट्रेशन एक ही रिएक्टेंट की दी जाती ना, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हमें डाटा दिया जाता। तो इस मेथड की लिमिटेशन भी वही है, दिस मेथड वी कांट यूज टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन विच कंटेन मोर देन वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट वाले रिएक्शन का ऑर्डर पता लगाने के लिए ही एप्लीकेबल है ये मेथड भी, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझेंगे कि कैसे हम ऐसे ऑर्डर पता लगाते हैं। अच्छा, हीट एंड ट्रायल मेथड में मैंने आपको ये बात बतानी है कि सबसे पहले हम डाटा क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में ही पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर में डाटा पुट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमें 99% जो केसेस दिए जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के ही दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार तुम जीरो ऑर्डर में कैलकुलेशन करोगे फिर फर्स्ट ऑर्डर में, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन किस में रख के करनी है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन आई है उसी में हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे डाटा को। तो अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको करवा रही हूँ कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन भी तुम्हारी बुक में जो दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, उसमें तुम्हें डाटा दे दिया जाएगा, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम के ऊपर दे दी जाएगी, और नीचे लिखाएगा प्रूव दैट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्रूव दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रूव करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर तो है ही, तुम्हें तो बस उसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसमें अब तुम्हारे क्या पास क्या होगा, सीधा डाटा को तुम क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर में ही पुट करके देखोगे, दो बार के की वैल्यू क्या निकाल दोगे, सेम हो गया प्रूफ। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करने से रेट कॉन्स्टेंट क्या है, सेम, इट मीन दिस डाटा फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो प्रूव करना हो तो ऑर्डर तो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, हमें तो सिर्फ क्या करना, प्रूव करना है। तो जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, यही रिएक्शन हमें दी गई है, ए कन्वर्ट इंटू बी आर के एन, हमें फाइंड आउट करना है। हमें डाटा दिया गया है कंसंट्रेशन और टाइम का, हमें अलग अलग टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे हमें कंसंट्रेशन दी गई है टी जीरो के ऊपर, हमें कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोलर ए की, टी 10 सेकंड के ऊपर हमें कंसंट्रेशन दी गई है, ये हो गई 10 सेकंड में 0.1 से 0.06। नेक्स्ट 20 सेकंड में कंसंट्रेशन हो गई 0.036। अब हमें इस तरह से डाटा दे दिया गया, एक ही कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम के ऊपर दे दी गई, हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो अब जैसे क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड है, ऑर्डर निकालना है, तो पहले इस डाटा को सेटिस्फाई किसमें करवाएंगे, हम जीरो ऑर्डर में करवाएंगे। मैं तो एग्जाम्पल करवा रही हूँ, तुम्हें तो सबसे पहले ही किसमें सेटिस्फाई करवाना है, फर्स्ट ऑर्डर में ही, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑर्डर में पुट करके देखना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के दिए जाएंगे, तो उससे तुम्हारा टाइम से हो जाएगा। तो पहले जीरो ऑर्डर में पुट करके देख लेते हैं, डाटा को कैसे पुट करेंगे, मैं वो सिखा रही हूँ डाटा कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो क्या आई थी, के टी इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के टाइम हम ले लेंगे 10 सेकेंड। तो इनिशियल कंसंट्रेशन टी जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन है 0.1, जब टाइम 10 सेकेंड है तो बची हुई कंसंट्रेशन है 0.06।
और यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी ये क्या जाएगी, क्या जाएगा 0.004 अपॉन टेन 0.004 k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी हम यूनिट नहीं रख सकते क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं पता। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पर हम जीरो ऑर्डर में पुट कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर के हिसाब से क्या आ जाएगा हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या आती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कॉन्स्टेंट और रेट की यूनिट क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करेंगे, एक बार और रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे। अब की बार टाइम पुट करेंगे 20, सी नोट वही रहेगा 0.1 और 20 के ऊपर सी टी कितना हो गया 0.036। यहां से के की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना आएगा 0.064 अपॉन कितना आ जाएगा 20, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0.0032। यहां से के आ गया, यूनिट सेम रहेगी। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो के की वैल्यू हमारे पास जो k की वैल्यू है वो क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। अब k की जीरो ऑर्डर में डाटा पुट करने से k की वैल्यू क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। इट मीन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, तो जीरो ऑर्डर नहीं है तो अब हम मूव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। अब इस डाटा को हम किस में पुट करके देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में पुट करके देखेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log tan c नॉट अपॉन सी टी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, k 2.303 टाइम, जब हम 10 सेकंड लेंगे, टाइम लेने के पहले हम 10 सेकंड log tan ऑफ c नोट, c नोट हमारे पास है 0.1 और सी टी 10 सेकंड पे है 0.06। ठीक है, यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगला डाटा पुट करते हैं। अब देखो तुम ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इनिशियल कंसेंट्रेशन हर बार तुम टी जीरो वाली ही लो, अपनी कैलकुलेशन इजी के अकॉर्डिंग ले लोगे, इजनेस के अकॉर्डिंग। अगर तुम 0.06 को भी इनिशियल कंसेंट्रेशन मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको इनिशियल कंसेंट्रेशन मानोगे तो यहाँ ये इनिशियल है, ये सीटी है, ये सी नोट है, ये सीटी, तो टाइम फर्दर कितना आ जाएगा, इस टाइम में 10 सेकंड का डिफरेंस। तो ऐसे कर सकते हो, तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, 2.303 अपॉन, अगर तुम टाइम 20 सेकंड ले रहे हो, 20 सेकंड ले रहे हो तो ये 20 सेकंड यहां से यहां हुआ है ना, ये टाइम इसको इसमें जाने में लगा है, तो फिर तो यहां पर क्या करोगे तुम, इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 ही रखोगे और ये रखोगे 0.036। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन जहां पर इजी लगे वैसे करो। अगर यहां से यहां तक का टाइम देख रहे हो तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 10 सेकंड log 10, तो यहां पर अब यहां से स्टार्ट किया हमने, तो यहां पर इनिशियल कंसेंट्रेशन हम ले लेंगे 0.06 और सीटी क्या ले लेंगे 0.036। तो ऐसे भी कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बार तुम टी जीरो को ही इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो, बट टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं तुम इनिशियल ये मान लो और टाइम 20 ही रख दो। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, अब इसको और इसको देखो, तुम 0.06 0.036 0.1 ये क्या आ जाएगी, 0.1 अपॉन 0.06 ही तो आ जाएगी, है ना, तो इसको कैलकुलेट करना काफी इजी था ना, यानी कि यहां और यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी, ये सेम ही है, ये सेम है, बाकी सब भी सेम है, तो k की वैल्यू दोनों के अंदर क्या आ गई, सेम आ गई। हालांकि ये कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, 15-20 सेकेंड ही एक्स्ट्रा लगनी थी। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब फर्स्ट ऑर्डर में इस डाटा को जमाने से फर्स्ट ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट दोनों बार क्या आ गया, सेम आ गया। इट मीन दिस डाटा मस्ट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो अन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अन आ जाएगा 1। तो बेटा ये है हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड और ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अब हमारे पास एक ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और रह गया, उस ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या किया जाता है ये बताते हैं। हमारे पास फोर्थ और जो लास्ट मेथड है वो है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। इस ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या किया जाता है, इसमें जैसे ये जो मेथड है ये दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट वाली रिएक्शन के लिए भी का ऑर्डर निकालने के लिए भी अवेलेबल है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे सपोज करो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी से प्रोडक्ट बन रहा है,
तीन रिएक्टेंट हमें दिए गए हैं, हमें रेट एक्सप्रेशन है आर के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। हमें एक्स वाई और जेड ये सब निकालने हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी, और ओवरऑल ऑर्डर तीनों को जोड़ के निकालना है। क्या किया जाता है इस मेथड में, जैसे मैंने आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, इसमें भी एक ही रिएक्शन के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। उन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाएगा, किन्हीं दो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को एक्सेस में लिया जाएगा, और जिसकी कंसेंट्रेशन एक्सेस में ली जाती है उसकी कंसेंट्रेशन क्या चलती है, कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट चलेगी तो उसकी कंसेंट्रेशन का रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा, और रेट पे कंसेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं आता तो उस रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या होता है, जीरो। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, किन्हीं दो रिएक्टेंट का, यहाँ पर तीन है ना, तो क्या करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या किया गया, बी एंड सी, बी एंड सी टेकन इन एक्सेस, बी और सी को हमने क्या कर लिया, एक्सेस में ले लिया, बी और सी को एक्सेस में, स्टार्टिंग में क्या किया, ए की कंसेंट्रेशन ले ली ए नोट, बी की कंसेंट्रेशन ले ली बी नोट, और सी की कंसेंट्रेशन ले ली सी नोट, और इसे रेट निकाल लिया गया, रेट आ गया आर वन, ठीक है। अब क्या किया गया, इनकी कंसेंट्रेशन को क्या किया, एक्सेस में ले लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, आर वन क्या आ जाएगा, ए नोट बी नोट और सी नोट, इसकी पावर एक्स, इसकी पावर वाई और इसकी पावर क्या हो गई, जेड। तो यहां पर क्या कर रखा है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में इनको हमने ले रखा है एक्सेस में, अब इनको एक्सेस में ले रखा है, क्या तीनों को एक्सेस में ले सकते हैं, एक्सेस का मतलब ये नहीं कि अगर तीनों के ज्यादा ज्यादा मार्क ले रहे तो एक्सेस में, एक्सेस एक रिलेटिव वर्ड है, इनकी कंसिडर, जैसे इसकी ले ली हमने 1 मोलर और इसकी हमने 100 मोलर ले ली, इसकी भी 100 मोलर ले ली, तो अब ये इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो एक्सेस में, इसके रिस्पेक्ट में, तो इनकी कंसेंट्रेशन हमने क्या ले ली, एक्सेस में ले ली, एक्सेस में ले ली, तो इनकी जो कंसेंट्रेशन है उसको तो हम क्या मान लेंगे, कंसेंट्रेशन चेंज होगी नहीं, थोड़ी बहुत इसकी 1 मोल खत्म हो गए तो इसके भी 1 होंगे, 999 मोल रह जाएंगे, तो कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट, और कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसको हम क्या बना देंगे, इनको तो हम कॉन्स्टेंट बना देंगे, तो इसी को मैं लिखूंगी आर वन इक्वल टू के ए की पावर एक्स, क्योंकि ये तो हमने ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट मिलाकर एक नया कॉन्स्टेंट बना दिया, तो इनकी कंसेंट्रेशन का रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो एक एक्सपेरिमेंट में क्या चेक किया जाएगा, बी और सी की कंसेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट माना, एक्सेस में मान के, एक्सेस में मान लिया जाएगा, उनकी कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगी तो उनकी उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर भी क्या रहेगा, जीरो। अब मैं बी की पावर 0 और सी की पावर 0 भी तो लिख सकती हूँ ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिनकी कंसेंट्रेशन एक्सेस में ली जाती है उनकी कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है और उनका ऑर्डर क्या माना जाता था, जीरो। अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कंसेंट्रेशन को हम क्या कर लेंगे, ए नोट से ए नोट, जैसे ए नोट 1 यहां पर ली है तो ए नोट 2 ले लेंगे यहां पर, और रेट के ऊपर इसका इफेक्ट देखेंगे, आर 2 आ जाएगा, ए नोट 1 मान लो इसको, ये के डैश और ए नोट 2। अब यहां पर जैसे इसको हमने क्या किया, डबल किया, इसको डबल करने से ये भी डबल हो गया, तो अक्स पता लगा जा सकता है ना, ठीक है, ये डबल करने से, कंसेंट्रेशन डबल करने से ये भी डबल हो गया। क्या कर रखा है, बी और सी की कंसेंट्रेशन को एक्सेस में ले रखा है, ए की कंसेंट्रेशन को चेंज करवा के दूसरा एक्सपेरिमेंट करवाएगा, दो एक्सपेरिमेंट करवाए गए, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया। फिर इसी तरह से क्या किया जाएगा, जब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटली कैसे किया जाता है इंडस्ट्री में, सब इंडस्ट्रियल पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, जैसे ए और बी की कंसेंट्रेशन को एक्सेस में ले लिया और सी की कंसेंट्रेशन चेंज करवाई दो एक्सपेरिमेंट में, सी नोट 1 ली सी नोट 2 ली, तो रेट के ऊपर इसकी कंसेंट्रेशन का इफेक्ट आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे। फिर ए और सी का आ गया तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास रह गया बी, तो ए और सी की कंसेंट्रेशन को एक्सेस में ले लेंगे और बी की कंसेंट्रेशन चेंज करवा के देखेंगे उसकी कंसेंट्रेशन चेंज होने से रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यही है बेटा ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो ये थे हमारे पास ऑर्डर को डिटरमाइन करने के डिफरेंट मेथड्स।